आईपीएल, दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट इवेंट में से एक, जिसने कई सितारों को चमकाया और कईयों को गिराया। 2008 से लेकर 2019 तक कई खिलाड़ी आए जिन्होंने अपने जादुई प्रदर्शन से हमें सम्मोहित किया, लेकिन इनमें से कुछ खिलाड़ी ऐसे थे जिन्हें हम आज सभी भुला चुके हैं। आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही बेहतरीन खिलाड़ियों के बारे में जानेंगे जिन्हें फैंस भुला चुके हैं। राजस्थान रॉयल के मीडियम पेसर सिद्धार्थ त्रिवेदी से आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में पूछताछ की गई। पूछताछ में सिद्धार्थ ने स्वीकारा कि उन्होंने बुकी से पैसे दिए। पूछताछ में गुनाह कबूल करने के बाद सिद्धार्थ को एक साल के लिए बैन किया गया। In the latest twist in the ongoing IPL spot fixing saga, Rajasthan bowler Siddharth Trivedi is likely to be suspended from the Indian cricket. लेकिन सिद्धार्थ त्रिवेदी ऐसे खिलाड़ी थे जिनका राजस्थान रॉयल्स को 2008 में आईपीएल खिताब जिताने में बहुत बड़ा हाथ था। गुजरात से ताल्लुक रखने वाले 25 साल के मीडियम पेसर सिद्धार्थ त्रिवेदी को गेंदबाजी में चतुराई और विविधता की वजह से टीम में लाया गया। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान शेन वॉन ने उन्हें मिक्स बैग ऑफ ट्रिक्स का नाम दिया, यहाँ तक कि उन्हें भारतीय क्रिकेट का अगला बड़ा स्टार बताते थे। अपने पहले आईपीएल सीजन में सिद्धार्थ त्रिवेदी ने 15 मैच में 22 की स्ट्राइक रेट से 13 विकेट लेकर अपनी गेंदबाजी से सबको प्रभावित किया। हर किसी की जुबान पर उनका नाम था, लेकिन चयनकर्ताओं का ध्यान उनकी तरफ नहीं। सीजन दर सीजन सिद्धार्थ त्रिवेदी की गेंदबाजी की धार कम होती गई और उसके बाद वो टीम में शामिल होने की रेस से बाहर हो गए। हालांकि हर कोई इस बात से सहमत होगा कि वो खिताब जीतने वाले राजस्थान रॉयल टीम के एक हीरो थे, एक ऐसे हीरो जिन्हें आज भुला दिया गया। अगर आईपीएल में छोटे शहरों से आने वाले खिलाड़ी की बात हो तो उसमें कामरान खान का नाम सबसे आगे आता है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में जन्मे कामरान खान का बचपन गरीबी में गुजरा। कामरान खान को महज 18 साल की उम्र में 2009 की आईपीएल नीलामी में 12 लाख रुपए में राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा। अपने अजीबोगरीब एक्शन और लगातार 140 से ज्यादा की स्पीड से बॉलिंग करने की क्षमता के कारण उन्हें टॉर्नेडो निकनेम दिया गया। शेन वॉन उनसे इतने ज्यादा प्रभावित थे कि उन्होंने एक मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ सुपर ओवर करने की जिम्मेदारी सौंपी। कामरान ने अपने कप्तान को निराश नहीं किया और सुपर ओवर में क्रिस गेल का विकेट चटकाते हुए राजस्थान रॉयल को शानदार जीत दिलाई। हालांकि इतने शानदार आगाज के बाद जल्द ही उनकी गेंदबाजी एक्शन चक के दायरे में आ गई। आगामी सीजन में उनका प्रदर्शन गिरता चला गया। इसके बाद यहां तक भी रिपोर्ट आई कि वो क्रिकेट छोड़ने वाले। कामरान खान जिस तेजी से आगे बढ़े वैसा प्रदर्शन वो आगे के दिनों में नहीं कर पाए, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि वो एक आईपीएल के हीरो थे, एक ऐसे हीरो जिन्हें आज भुला दिया गया। अगर आईपीएल में किसी का डेब्यू याद रखने लायक है तो वो है स्वप्निल अस्नोदकर का। 5 फीट 5 इंच के 24 साल के सलामी बल्लेबाज स्वप्निल अस्नोदकर उस दिन एक यादगार पारी खेलने आए थे। उन्होंने मैच के चारों तरफ शॉट लगाते हुए सिर्फ 29 गेंद पर 60 रन की धुआंधार पारी खेली। इस पारी की बदौलत वो आईपीएल के अंडरडॉग खिलाड़ी बन गए। जब भी वो राजस्थान रॉयल की तरफ से बैटिंग करने के लिए आते तो लोग उन्हें काफी सपोर्ट करते। Swappy is one of our guys and he really is, you know, our best, one of our best opening batsmen we've got and we love having him around. He's just a really good guy, great fun and he can play with a lot of talent. अस्नोदकर और ग्रीम स्मिथ की सलामी जोड़ी ने आईपीएल 2008 में राजस्थान रॉयल्स के लिए 59.71 की शानदार औसत से 418 रन बनाकर अपनी टीम की ट्रॉफी को जीतने में योगदान दिया।
टूर्नामेंट की खोज कहे जाने वाले स्वप्निल असनोदकर आने वाले सीजन में अपनी फॉर्म को बरकरार नहीं रख पाए। गोवा की तरफ से रणजी ट्रॉफी खेलने से लेकर आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग में क्लीन चिट मिलने तक उनका करियर काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। इन दिनों वो गोवा अंडर 23 क्रिकेट टीम के कोच हैं। स्वप्निल असनोदकर ने बहुत जल्द ही फैंस का दिल जीत लिया था। आज भी कई लोगों को उनकी आक्रामक बल्लेबाजी याद होगी। वो वास्तव में एक हीरो थे, एक ऐसे हीरो जिन्हें भुला दिया। चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ जबरदस्त धुआंधार शतक लगाकर पॉलवल थाटी ने आईपीएल में धमाकेदार शुरुआत की। उन्होंने किंग्स इलेवन पंजाब की तरफ से खेलते हुए सिर्फ 63 गेंदों पर 120 रन बनाकर काफी सुर्खियां बटोरी। ये 2011 के आईपीएल सीजन में किसी भी बल्लेबाज का उच्चतम स्कोर था। इसके बाद उन्होंने शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन करते हुए पहले तो गेंदबाजी में सिर्फ 29 रन देकर 4 विकेट चटकाए और फिर 47 गेंदों में 75 रन की धुआंधार पारी खेली। बलथाटी 137 के शानदार स्ट्राइक रेट से 463 रन बनाकर किंग्स इलेवन पंजाब की तरफ से एक सीजन में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज। उन्होंने अपने साथी सलामी बल्लेबाज और दिग्गज खिलाड़ी एडम गिलक्रिस्ट को भी पीछे छोड़ दिया। मुंबई से एक युवा प्रतिभाशाली क्रिकेटर के तौर पर शुरुआत करने वाले पॉलवल थाटी 2002 में हुए अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का हिस्सा थे। उसी टीम में पार्थिव पटेल और इरफान पठान जैसे खिलाड़ी भी थे, लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ मैच के दौरान उनके आंख में चोट लगने के कारण उनको टीम से बाहर बैठना पड़ा। इसके बाद काफी समय में बलथाटी मुंबई के लिए सिर्फ एक ही मैच खेल पाए और उन्होंने आईपीएल में खेलने का मौका मिला। क्रिकेट एक्सपर्ट्स के मुताबिक पॉल बलथाटी आईपीएल में लगातार बढ़ रहे चुनौतीपूर्ण स्तर के हिसाब से अपने खेल में बदलाव नहीं ला सके। आईपीएल एक ऐसा टूर्नामेंट है जहां पल भर में खिलाड़ी स्टार बनते हैं और अगले ही पल बिखर जाते हैं। बलथाटी ने 2012 के आईपीएल सीजन में केवल 6 मैच खेले और सिर्फ 30 रन बना सके। धीरे धीरे वो लोगों की नजरों से गायब होते गए और लोगों के जहन में सिर्फ एक सीजन सनसनी बनकर रह गए। पॉल बलथाटी भी एक ऐसे हीरो थे जिन्हें आज भुला दिया गया। आईपीएल में ऐसे कई और खिलाड़ी आए जिन्हें आज हम भुला चुके हैं। अगर आपको ऐसे कुछ और खिलाड़ी याद है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं।